आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी की पांचवी सूची कभी भी जारी हो सकती है। जी हां, बीजेपी की पांचवी सूची कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन इसमें एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है कि बीजेपी की पांचवी सूची में जो एक बड़ा बदलाव किया गया है। और वो बड़ा बदलाव क्या कुछ किया गया है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के चीफ एडिटर नवीन जी पाटीदार, जिनसे हम जानेंगे। जी नवीन जी, बताएं क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ बदलाव किया गया है पांचवी सूची में। जी राधा, बिल्कुल आपने सही कहा कि सूची जारी होने से पहले कुछ बदलाव किया गया है। तो बदलाव ये है कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है और उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। साथ ही बात किया है जिस तरीके से पूरे पार्टी सूची को लेकर बारीकी से समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे पहले एक बड़ी बैठक जो है भोपाल में रखी गई, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जो इस बैठक को लेकर पांचवी सूची को लेकर जो मंथन किया गया। उसके बाद जो है कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। वहां पर जो है बारीकी से जांच की गई, बारीकी से किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसको मैदान में उतारा जाए, उसको मंथन किया गया। क्योंकि पांचवी सूची को माना जा रहा है कई विधायकों की टिकट कट सकते हैं। साथ ही सूत्र यहाँ तक खबर बता रहे हैं हमारे को की नीमज मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात किया है, यहाँ पर जो सीटें होल्ड पर वहां पर तकरीबन एक सीट जो है के विधायक का टिकट काटा जा सकता है, इस तरह की जानकारी भी हमारे निकल के आ रही। साथ ही बताया ये भी जा रहा है तकरीबन 30 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सूची अब जिस तरीके माना जा रहा था आज जारी हो जाएगी, लेकिन अब माना जा रहा है कि कल तक सूची जारी होगी। कल जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की हम सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे ब्रेकिंग स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, किस तरीके से लगातार हम पांचवी सूची को लेकर पल-पल की अपडेट दे रहे हैं। सही अपडेट के लिए जो लगातार हम अपने दर्शकों को खबर देते रहेंगे राधा। जी नवीन जी, अगर बात की जाए तो कब तक पांचवी सूची जारी हो सकती है? राजा, अगर बात किया है तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है कल, जिसमें अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और जो तमाम बड़े नेता है जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। उसके बाद सूची पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि मध्यप्रदेश की सूची तैयार नहीं करनी, राजस्थान और जो अन्य राज्य जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी अपने प्रत्याशी को लेकर इस केंद्रीय चुनाव समिति में निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद माना जा रहा है सूची तैयारी की जाएगी, जिसमें राजस्थान की भी होगी, मध्यप्रदेश की भी होगी। जैसे बात किया है तो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, कब है ये तारीख बड़ी सामने आई है, कल चुनाव समिति की बैठक है, लेकिन वक्त और ये सामने नहीं आया कितने बजे आयोजित होगी और कब सूची जारी होगी ये अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जी, तो हमने जाना कि बीजेपी की सूची जो है कभी भी जारी हो सकती है और क्या कुछ जो है बीजेपी की पांचवी सूची में बड़ा बदलाव किया गया है। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।